तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको गुडलक का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है होम अप, जिसके अंदर कमाल का एक नया अपडेट आया और कमाल के नए नए फीचर्स एड ऑन किए गए, जिसके बारे में आगे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिस बेल आइकन दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस ए टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ होम अप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे ले जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में, गैलेक्सी स्टोर में वहाँ पर चले जाना है आपको अपडेट्स वाले सेक्शन में। तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा और इस अपडेट में क्या क्या नए चेंजेस किए गए। इस अपडेट का वर्जन नंबर है 15.0.01.19 और इसको रोल आउट किया गया है 15 अप्रैल को। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे 15 अप्रैल 2024 को इसको रोल आउट किया गया है, बट मेरे पास ये आज ही के दिन आया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपर मोबाइल्स में पहले आ चुका है और मिड रेंज में अभी ही रिसेंटली रोल आउट किया गया है। अब यहाँ पर क्या क्या नए चेंजेस किए गए, पहले तो मैं कर लेता हूँ अपडेट। यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस किया गया, द फॉलोइंग फीचर आर एडेड ऑन द अपग्रेड डिवाइसेस विद वन यूएस 6.1, जो कि वन यूएस 6.1 में अपग्रेड होने वाले उन डिवाइसेस के लिए एड ऑन किया गया है। होम स्क्रीन अंदर एक्सेस फाइंडर दे दिया गया है, होम स्क्रीन में एक्सेस फाइंडर का सपोर्ट दे दिया गया है। होम स्क्रीन के अंदर आपको ऐप आइकन सेटिंग दे दी गई है। फोल्डर के अंदर आप बैकग्राउंड को कलर चेंज कर सकते हैं और आप फोल्डर के अंदर ब्लर का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में फोल्डर आइकन अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, फोल्डर के जो आइकन होते हैं ना उनको भी रीअरेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फीचर है S24 के सारी सीरीज में सपोर्ट करेंगे, हो सकता है नीचे सीरीज में वर्क ना करे। इसके अलावा कुछ बक्सेस को फिक्स आउट किया गया है। तो अब इसको चलाने के लिए हम देख लेते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पर गुडलक में। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मेकअप में, यहाँ पर होम अप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पर जाना है। होम स्क्रीन में जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइंडर एक्सेस का ऑप्शन दे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको फाइंडर एक्सेस कहाँ चाहिए, होम स्क्रीन पे, ऐप स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने होम स्क्रीन पे सेट आउट कर दिया, ठीक है। अब मैंने होम स्क्रीन को सेट आउट करके यहाँ से बैक कर दिया, तो अभी ये होम स्क्रीन पे आपको फाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पर फाइंडर का सपोर्ट मिल जाएगा। और ऐप स्क्रीन वो होती है जिसमें आप ऐप को सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐप जो लिंक वाला होता है ना, उसमें भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। ऐप स्क्रीन पे जाएंगे तो दोनों पे आपको ये सपोर्ट मिलने लग जाएगा। इसके अलावा इसी में वापस जाएंगे होम स्क्रीन पे, आपको बैकग्राउंड का जो ब्लर है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। जैसा कि फोटोज़ दिख रही है, अब आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको ब्लर चाहिए बैकग्राउंड में पीछे, या आप उसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। कितना ब्लर चाहिए आप यहाँ पर एड आउट सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है बैकग्राउंड कलर कंट्रोल का, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए। लाइक मुझे यहाँ पर चाहिए ग्रीन कर दिया, जो कि आपको हाईलाइट दिखते रहे, और आप उसको ब्राइटनेस को भी यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट आउट किया, और अगर अब मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसका कलर ये आपको यहाँ पर दिखने लगे, और जो ब्लर वाला सेक्शन था वो भी आपका इसी में काम करेगा। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया, अगर मैं यहाँ जाऊँ बैकग्राउंड ब्लर में और अब मैं इसको 100% ब्लर में कर दूँ, अब मैंने इसको 100% ब्लर कर दिया और अब मैं जाके यूँ खोलूँगा तो आप देख रहे होंगे ये 100% ब्लर में आ रहा है। और अगर मैं अब इसको यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर आके मैंने इसको रिमूव ब्लर कर दिया, और अब जाके आप देखेंगे ब्लर नहीं दिख रहा, वो ब्लैक वाला शेड नहीं दिख रहा। तो होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए आपको यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया गया है। उसके बाद बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की, जो कि ऐड ऑन किया गया है, वो हाइड ऐप आइकन वाला तो पहले ही था। फिलहाल यही कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, 2-3, ब्लर बैकग्राउंड कलर, कलर कंट्रोल और ये ब्लर। इसके अलावा फोल्डर ग्रिड में जाएं तो पॉपअप फोल्डर्स में आपको ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसमें ना पॉपअप फोल्डर कलर में दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक होम स्क्रीन के अंदर एक ऑप्शन और दे दिया गया है, यहाँ पर हाइड ऐप अवेलेबल का, आप यहाँ पर वो भी एड ऑन कर सकते हैं। बट मोस्टली जो फीचर्स हैं वो सपोर्ट किए गए हैं आपके सैमसंग S24 सीरीज़ के। इसके अलावा कुछ भी नया फीचर एड ऑन नहीं किया गया, ना ही सपोर्ट किया गया इसमें। रीअरेंजमेंट यहाँ पर आइकन्स भी लिखे हैं, बट आइकन्स वाला ऑप्शन इसमें कहीं भी नहीं आया है। वो एस सीरीज़ वाले ऑप्शन में आया, ए सीरीज़ में कहीं भी नहीं आया, आपको दिख रहे होंगे। तो ए सीरीज़ में वो सपोर्ट नहीं मिला। ए सीरीज़ के अंदर 3 ही फीचर एड ऑन किए गए, फाइंडर एक्सेस, बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल और बैकग्राउंड कलर कंट्रोल। सिर्फ 3 यहाँ पर चीज़ें एड ऑन किए गए, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यही नया अपडेट था होम अप के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।